हमारे सामने इंडिया खड़ा है, हर दफा हम हार जाते हैं उनसे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस दफा पाकिस्तान जीतेगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस दफा पाकिस्तान जीतेगा। कौन सा स्क्वाड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? इंडिया। आपको? पाकिस्तान नजर आ रहा है। अब बेवकूफ है तू, इंशाल्लाह पिछला सारा रिकॉर्ड तो देखें यार, पहले ओवर में हम उसको आउट करते हैं। हाँ जी मिस्टर विराट कोहली रेडी हो जा फिर हैं। अब्बू आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, लेट्स सी टुडे व्हाट्स गोइंग पाकिस्तानी मीडिया अगेंस्ट टू टीम इंडिया बिफोर द एशिया कप। के पाकिस्तान जीत दे, जोर से जरा नारा लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये मैच जो है इसका सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि सब जानते हैं बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती हमारी, और यही मौके होते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान टकराते हैं, और क्रिकेट की एक्चुअल राइवलरी यही है। यूनुस से बेहतर कौन जानता है, कामरान से बेहतर कौन जानता है, यूनुस आप बताइए। आगे की वीडियो में आप सभी को पाकिस्तानी मीडिया एवं पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि 2 सितंबर यानी कल भारत वर्सेस पाकिस्तान का महा मुकाबला होने वाला है। लेकिन इस महामुकाबला से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम नेपाल टीम के खिलाफ एशिया कप का पहला मैच जीत चुका है। इसी जीत के घमंड में जरा इस पाकिस्तानी मीडिया को देखिए किस तरह का अकर दिखा रहा है। तो पाकिस्तान की फतह जो कि कल आपने देखी, क्या शानदार फतह थी कि हमारा दुश्मन भी हमारी तारीफ के बगैर नहीं रह सका। वेल, नेपाल के साथ तो मैच हो गया, लेकिन अब जो दूसरा मैच है कि पाकिस्तानी टीम या बाबर आजम को इंडिया को फेस करने के लिए किन बातों को अपने जहन में रखते हुए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, एक प्रेशर तो होगा इंडिया के ऊपर, नो डाउट कि हम इस वक्त नंबर वन है इस फॉर्मेट के अंदर। दूसरा ये कि हम फॉर्म में, हमारी बॉलिंग बहुत फॉर्म में, हमारी बैटिंग भी फॉर्म में, यू नो, ऑल दो कि इंडिया की इतनी मुझे नज़र नहीं आ रही स्ट्रॉन्ग टीम, बट अब इस जाहिल पाकिस्तानी को टीम इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम नजर नहीं आ रही है। जरा मोदी जी इस पाकिस्तानी मीडिया को अपने भाषा में समझा दीजिए। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है 2 सितंबर को, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज वी नीड द कॉमेडी ऑफ पाकिस्तान। इस वीडियो के माध्यम से पूरे पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितने भी बाबर आजम, रिजवान और शाहीन आफरीदी जैसे क्रिकेटर आ जाए, लेकिन इसका मुकाबला कैसे करोगे? जो हमारी बैटिंग है वो भी इंडिया से बेहतर है, और जो बॉलिंग है वो भी दुनिया में नंबर वन है। सवाल ये है कि जी वर्ल्ड और एशिया कप में ये सुनने में आया है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि विराट कोहली, पाकिस्तान का कोई भी बॉलर आ जाए, शाहीन शाह अफरीदी आ जाए, उसके बाद हारिस आ जाए, विराट रेडी बैठे हैं। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। और अफगानिस्तान में से नवीनुल हक सामने आ जाए ना, तब भी विराट कोहली खेल जाएंगे, लगता है आपको? आपको मेरा ख्याल है कि इंडिया ने ना जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज हुई है ना, वो उन्होंने देखी नहीं है। तुम पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग जितनी मर्जी उतनी बकवास कर लो, लेकिन तुम सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही इंसान काफी है, वो है ये आमाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हमारे पास 8 बैट्समैन है और इंशाल्लाह 100 तकरीबन 6 बॉलर है हमारे साथ, तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे। तो हम लोग को बेसब्री से इंतजार है 2 सितंबर यानी कल का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें उम्मीद है कि टीम इंडिया पाकिस्तान टीम को एक बड़े शिकस्त मात देगी। शिकस्त इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह से विराट कोहली ने पिछले बार इनकी अपनी असली औकात बताई थी, इसलिए 2 तारीख यानी कल का डेट बिल्कुल नहीं भूलना, और टीम इंडिया को जितना हो सके सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू उतना सपोर्ट करना है, ताकि हमारा टीम इंडिया पाकिस्तान को एक बड़ी से बड़ी शिकस्त दे पाए। तो आप सभी को बता दूं कि कल जो
इंडिया पाकिस्तान का मैच श्रीलंका में होने वाला है। श्रीलंका में 90% चांसेस है कि वहां वर्षा हो जाए। थोड़ा कम चांसेस लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच श्रीलंका में कल होगा। यदि होगा भी तो पूरा होगा कि नहीं होगा इसका कोई भी अनुमान नहीं है। इसलिए हम सभी क्रिकेट लवर चाहते हैं कि चाहे वो पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का, सभी चाहते हैं कि कल वर्षा ना हो और इंडिया पाकिस्तान का एक बड़ा मैच पूरी दुनिया को देखने को मिले। दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अभी एशिया कप चालू ही हुआ है और पाकिस्तानी लोगों का इस तरह का रिएक्शन काफी आने वाला है। इसलिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टीम इंडिया फाइनल की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे पाकिस्तानी लोगों का एक से बढ़कर एक खतरनाक रिएक्शन आने वाला है। इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल का दिन काफी खास है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का क्रिकेट लवर हो, उनके लिए ये दिन काफी स्पेशल होने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना टीम इंडिया का सपोर्ट कीजिए, ताकि 2 तारीख को हमारा टीम, हमारा क्रिकेट टीम पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त दे पाए। पाकिस्तान से कुछ मिले ना मिले, लेकिन इन पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू हम भारतीयों को और पूरी दुनिया को एक अच्छा एंटरटेनमेंट जरूर मिल जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज वी नीड द कॉमेडी ऑफ पाकिस्तान।